फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। चलिए हम आज आपको बना के दिखाते हैं पके हुए कटहल की एक रेसिपी। सबसे पहले हमने कटहल को निकाल लिया है। अब हम इसको पीस पीस में कट करके इसका बीज निकाल लेंगे। इस तरीके से हमने सभी का बीज निकाल लिया है। अब हम इसको डालेंगे ग्राइंडर में। और इसको हम स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। हम इसमें दो चार अलग से रखेंगे। इसको आपको बताते हैं फिर क्या करना है पेस्ट बना के। देखिए फ्रेंड्स, हमने एक कढ़ाई ले लिया है, उसमें हम घी डाल देंगे। ये फलाहारी व्रत में आप आराम से इसको खा सकते हैं। अब हमने इसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स डाल दिए हैं, काजू बादाम डाल दिए। आप कुछ भी ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। इसको रोस्ट कर लीजिए। ये गोल्डन ब्राउन हो चुका है, इसको अब हम प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम ये जो पेस्ट बनाए हैं कटहल का, उसको इसमें डाल देंगे। इसको लगातार हमको कंटिन्यू में चलाते रहना है। अब हम इसमें डाल देंगे आधा कप दूध। अगर आपके पास खोआ हो तो आप उसको भी डाल सकते हैं। मेरे पास था तो मैंने ऐड कर दिया इसमें। देखिए गाइस, ये बहुत ही थिक हो चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे शक्कर। इस तरीके से हो चुका है ये। अब हम इसमें डाल देंगे इलायची। हमारा फ्लेवर चेंज हो जाएगा। बहुत ही टेस्टी खीर है। आप इसको स्वीट की तरह भी बना सकते हैं। आप अगर इसको खूब गाढ़ा करते जाएंगे तो ये स्वीट बन जाएगा। और अगर आप इसको खीर की तरह खाना चाहें। गैस इस तरीके से बॉईल होने लग गया है। अब हम इसको निकाल देंगे और अच्छे से इसको गार्निश कर देंगे। हमने गैस को ऑफ कर दिया है। देखिए गाइस, ये बहुत ही अच्छा खीर है। आप इसको एकदम ही अलग इसको ट्राई कीजिएगा। व्रत में आप इसको आराम से खा सकते हैं। आप वैसे भी इसको खा सकते हैं। अब हमने इसमें डाल दिया है रोस्टेड ड्राई फ्रूट्स। नॉर्मल ड्राई फ्रूट्स भी आप डाल सकते हैं इसको। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही शानदार रेसिपी है फ्रेंड्स, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप इसमें थोड़ा सा सैफरॉन भी ऐड कर सकते हैं, केसर। अगर आपको अच्छा लगे तो मेरा वीडियो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।